राम बच्चों गुरु पाठशाला में आपका स्वागत है। आज जो है हम है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान से देखें और समझें कि क्या है हमारा बेसिक पॉइंट और बेसिक मुद्दा, ठीक है। तो देखें जरा, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों कि हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन लेंगे, ठीक है। और उस इक्वेशन को लेने के बाद हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को लेने के बाद उसके मतलब डेटा को बेसिकली जो भी हमारी इक्वेशन है उसको हम इक्वेशन बनाएंगे, जो भी हमारे पास डेटा गिवन है उसके बाद हम उसका पॉइंट्स निकालेंगे, देन फिर हम ग्राफ बनाएंगे। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप जो है कोई सी ग्राफ के अंदर वैल्यू निकालने में कोई सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 1, 2, 3, 4 जो मैं रखा हूं, 0, 0 कुछ भी रखो आप, यू कैन पुट एनी वैल्यूज बिकॉज बट द डेटा विल कम इन योर फ्रैक्शन, thus you have you will have to problem in draw the graph, ठीक है, you will have to problem to draw the graph, so that's why we are taking always x equal to 0 and y equal to 0 in this graphical method, okay। तो हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। The cost of 2 kg apples and 1 kg grapes on a day was found to be a 160 and after a month the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is 300, represent the situation of algebraically and graphically। देखिए कहता है कि the cost of 2 kg apple, 2 kg apple का जो cost है वो कितना है आपका, 1 kg apple का grapes का cost मिलाकर 160 rupees और एक महीने के बाद 4 kg apple और 2 kg grapes का cost मिलाकर 300 rupees। अब इसको हमें क्या करना है, algebraically represent करना है और graphically represent करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, let the 1 kg apples price x, let the 1 kg grapes price y, ओके बच्चों। अब उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर कह रहा है 2 kg एप्पल और 1 kg grapes का प्राइस कितना है 160। सेम बेटा सेम, ध्यान समझिएगा, ये पहला तो आपकी इक्वेशन जो है डेवलप हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg grapes, 4 kg एप्पल एंड 2 kg grapes टोटल का कॉस्ट 300 रुपीज। अब यहां से क्या करेंगे बेटा हम, देखिए यहां से कॉमन कितना आ रहा हमारा, 2 को मना रहा है, 2 को मान ले लिया, नीचे ले गए इसे हमने डिवाइड करके इक्वेशन बन गई। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारी डेवलप हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर इन इक्वेशन से वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, यहां पर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 2 * 0 क्या होता है 0 और फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 160, सेम पुट y = 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 80, ओके यहां तक कोई दिक्कत बच्चों। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 60 पुट करेंगे, पुट करा हमने यहां पर, ध्यान समझो, उसके बाद ये 60 यहां जाके माइनस हो जाएगा, आएगा 100। अब यहां से मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, कितना आएगा 50। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन हम लेंगे बेटा, सेकंड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन लेंगे बेटा, सेकंड इक्वेशन, इसमें क्या करेंगे, 2x + y = 150 पुट x = 0, आपने क्या करा x की वैल्यू 0 पुट करा, y = कितना आ गया 150। तो देखो बेटा ये 0 हो गया, y = 150 आ गया। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, पुट y = 0, जब हम y = 0 पुट करेंगे तो यहां पे इसको नीछे ले जाएंगे, तो कितना आएगा x की वैल्यू 75, x की वैल्यू कितनी आएगी 75, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे, y = 50 रखेंगे, y = कितना रखेंगे बच्चों, y = रखेंगे 50, y = रखेंगे 50, उसके बाद y = जैसे मैं 50 रखूंगा यहां पे माइनस हो गया आ गया 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 50। ये आपका पूरा हमने पार्ट्स निकाल दिए। अब इसको बच्चों हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो प्लीज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, अब आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। अब हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देंगे बच्चों। देखो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से समझिएगा जरा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू हमारी 0 होगी, y की वैल्यू 160, तो देखो अराउंड 160 कहीं यहां पर आएगा। बट आप अगर इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों तो बहुत ही एग्जैक्ट वे में आपका ग्राफ ग्रो होगा। अभी बोर्ड पे हमारे पास ग्रिड नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 80, तो अराउंड 80 यहां पर होगा, ठीक है, 80.0। अब x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 60, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 60 अराउंड यहां पर होगा बच्चों, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 60। अब ये लाइन हम यहां पर ड्रॉ कर देंगे, थोड़ा सा दिक्कत,
आपकी लाइन आ गई, ठीक है बच्चों। और इस लाइन पे इसकी इक्वेशन लिख देंगे, इसकी इक्वेशन क्या है हमारी 2x plus y equals to 116, ठीक है। अब इस चाहे इसको आप पॉइंट का नाम दे दें a b and c, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट को इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 150, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 150। तो x की वैल्यू जब 0 होगा, y की वैल्यू कितना होगा आपका 150, तो 150 अराउंड कहां आ जाएगा 0.150, ओके। नाउ x की वैल्यू 75 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 75 और y की वैल्यू 0, कभी कभी अराउंड हमारा ये हमारा 50 था और ये हमारा 80 था, थोड़ा सा नियर बाय यहां से जा रहे, ठीक है। तो यहां पर इस पॉइंट को हम लिख देते हैं x की वैल्यू 75, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट है, ये p q, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 50, अराउंड यहां पर जाएगा ये पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो अब जो है इस लाइन को हम मिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये लाइन आएगी स्ट्रेट एकदम ऐसे, थोड़ा सा टेढ़ा चलेगी ऐसे और इस लाइन की जो इक्वेशन है हम वहां पर लिख देंगे। देखिए हल्की फुल्की लाइन जो है वो आगे पीछे हो रही है, तो थोड़ा सा आप पैनिक मत होइएगा, ग्राफ में बनाएंगे एकदम पैरेलल लाइंस आएंगी, ये सिर्फ ये दो पैरेलल लाइंस आएंगी आपकी। अब देखो यहां पर हमें ग्राफ पे ये पता लग गया बच्चों कि दो यहां पर पैरेलल लाइंस आई है। अब हमें इस दो ग्राफिकली मेथड से ये पता लगा कि लाइंस क्या है, पैरेलल है, और इसके सॉल्यूशन क्या है, नो सॉल्यूशन है इसके कोई सॉल्यूशन नहीं, और लाइंस क्या है हमारे पैरेलल है, ठीक है। और नो सॉल्यूशन होता तो वो क्या होता है आपका, इनकंसिस्टेंट होता है। तो वो आगे हम 3.2 एक्सरसाइज में डील करेंगे, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पे, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस पे। मेरे ख्याल से यहां तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लें। और बच्चों कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है वीडियो में, तो नीचे कमेंट जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थंब का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बच्चों, और राम राम सभी को।